चार क्वेश्चन के लिए पूरा खत्म हो गया। ये हो गया ज्योमेट्रिकल एसएमआरजिन, उसके बाद है ऑप्टिकल, एक्स का वैल्यू हो गया, अभी वाई का वैल्यू निकलना है। लेव आइसोमर, एल एंड डी आइसोमर, ये हो गया। एक्स का वैल्यू भी वन हो गया, वाई का वैल्यू भी वन हो गया, एक्स इक्वल टू वन, वाई इक्वल टू वन। सॉरी, एक्स इक्वल टू टू, वाई इक्वल टू टू इन योर ऑप्शन, ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन टू इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, इन एसएन टू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रिएक्शन of the type R beer Cl minus DMF R Cl plus beer minus, which of the following is highest relative rate? Which of the following has इसमें भी चार ऑप्शन है, तो क्या होगा? एस एन टू मैकेनिज्म इज फॉलोड इन केस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। एस एन टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्काइल के लिए होते हैं, दैट इज एस एन टू रिएक्शन इज फॉलोड बाय ए स्मॉल ग्रुप ऑन द कार्बन एटम अटैच्ड टू ए हैलोजन। सो क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन टू है इज द करेक्ट आंसर, मतलब ऑप्शन टू में यही है, सी एच थ्री सी एच टू बी आर, ये है ऑप्शन टू में, यही होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, सॉरी 44,
the rate of reaction is faster when Z is option 1 CL, option 2 NH3, option 3 option 4 क्या होगा? एसिड हैलाइडर मोर रिएक्टिव, देयरफॉर ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। हेट्रोलाइसिस ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड प्रोड्यूसेस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड प्रोड्यूसेस क्या होगा? वन कैटायन एन वन एन एन ये ऑप्शन नंबर 4 पे है करेक्ट आंसर। हेट्रोलाइसिस में एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उसका नेगेटिव चार्ज होगा और जिसका पॉजिटिव चार्ज है उसका होगा पॉजिटिव चार्ज। होगा कार्बन क्या है? इलेक्ट्रो पॉजिटिव है कि नहीं? कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन में क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। इतना आसान क्वेश्चन है। ठीक है, खत्म हो गया। हो गया, कंप्लीट हो गया। हाँ 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 ठीक ठीक है, मैं कॉल